नमस्ते, मेरा नाम है सुप्रिया। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, पुरानी दिल्ली की बहुत ही फेमस गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। और वो झटपट तैयार करेंगे तो, और झटपट सर्दियों में खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। चाहिए 1 किलो गाजर कद्दूकस से कस लिया है, हमें 1 किलो चाहिए। उसके बाद हमें आधी कटोरी मिल्क में खोवा, 2 चम्मच घी, बादाम, पिस्ता, काजू, और ये है अखरोट, मैंने देखा अखरोट को कर लिया, और ये है किशमिश। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी मैंने, तेल डाल दे रही हूँ मैं। देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया, आपको आवाज भी आ रही है। गैस थोड़ा कम करके हमें पकाना है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, 1 दिन पूरा लग जाता है। ये बहुत ही धीमी आंच में पकाना है, बहुत ही स्पीड आंच में नहीं पकाना। इसको ढक के रख देंगे तो ये अपना पानी छोड़ेगा, इसके अंदर पानी पानी हो जाता है हमारा। ये पानी सोखने के बाद हम दूध डालेंगे। मैंने 1 पैकेट दूध डाल, ढक्कन खोल के हमारा बॉइल हो रहा है। 15-20 मिनट टाइम लगेगा हमें, ये हमारा दूध अच्छे से कैरेट के अंदर अच्छे से चला जाना चाहिए। कढ़ाई रख दी है, ये अलग से मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ। घी गर्म होने के बाद, मैं घी गर्म करने के लिए रखा है, हमारा बॉइल हो रहा है। काजू डाल रही हूँ, बादाम 2-3 चम्मच, दूध हमारा पूरा सफल हो गया, दूध भी पूरा अच्छे से सोख गया है। और 5-10 मिनट हमारा दूध डाल के हमारा पूरा अच्छे से, थोड़ा सा पानी है इसमें, देखिए पानी दिखाई देगा आपको, दिखाई दे रहा है। थोड़ा और 5 मिनट टाइम लगेगा, ये देखिए हमारा अच्छा सा सोख लिया, पानी भी सोख लिया हमारा। अभी मैं डाल रही हूँ, मैंने चीनी का पाउडर लिया है, मैं आपको अगर चीनी डालूंगी तो पानी छोड़ देगा, ये मैं आपको लिए चीनी का वो देखो पाउडर करके मैं डाल रही हूँ, इससे हमारा पानी नहीं छोड़ेगा। ये 4 चम्मच डाल रही हूँ और 2 मिनट टाइम लगेगा। एक चम्मच मैंने घी डाल दिया है, इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी मैं। बहुत ही फेमस है पुरानी दिल्ली का गाजर का हलवा, बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी आता है। मैंने पूरा छोड़ दिया है,
देखिए इसमें मैंने पहले ड्राई किया, मैंने कैरेट डाल के पहले ड्राई कर दिया था, फिर उसके बाद दूध डाल के फिर मैंने ड्राई कर दिया। अभी मैंने फिर उसके बाद मैंने शुगर पाउडर डाला, मैंने यूज़ किया, उसको भी मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया। हमारा पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। आप एक हफ्ते तक फ्रिज के अंदर रख के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक हफ्ते तक अगर उसको ऐसे फ्राई करके अच्छे से हम लोग रखते हैं तो मैं मिल्क पैड लेके मिल्क में डाल रही हूँ आधा कप, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है फ्रेंड्स। आ रहा है ना मुँह में पानी। काजू पिस्ता ये सब फ्राई करके रखा हुआ है मैंने, सब डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। ये अपने मैश करके हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। अगर हम घर में बना के खाएंगे तो कितना टेस्टी रहेगा फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो गया और 2 मिनट टाइम है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है। मेरा कैरेट हलवा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स देखने में। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, देखिए कितना लाजवाब, कितना टेस्टी लग रहा है आपको, देखिए देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। 2020 में मैंने आपके लिए सबसे अच्छा पुरानी दिल्ली की मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। आपको देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे बोल रही हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्ते।